हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने किचन कुक विद अर्चना में। और मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट अर्चना। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं मटन की रेसिपी। मटन बनाएंगे हम ढाबा स्टाइल में, बिल्कुल ढाबे वाली मटन बनाएंगे। मटन करी बहुत टेस्टी बनती है, इसकी टेस्ट जो है वो बहुत अच्छी होती है। और इसका ये इतना सॉफ्ट बनकर तैयार होता है कि बिल्कुल आप टच करेंगे और इसका सारा मटन हड्डी से निकलकर साइड हो जाता है। तो आइए देखते हैं ढाबे वाली मटन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसे कैसे बनाना है। तो पहले हम मटन को मैरिनेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मटन लिया है, ये 1 kg मटन है। साथ ही मैंने प्याज ले लिए हैं, प्याज को बिल्कुल बारीक काटा है मैंने। ये देखिए, ये बिल्कुल बारीक है। ये इतनी बारीक इसलिए काटी है ताकि जब हम इसे भुनें तो ये बहुत आसानी से गलकर तैयार हो जाए। इस मटन की रेसिपी में हम प्याज को अलग से फ्राई नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने इसे बारीक काटा है। साथ ही मैंने लिया है सरसों का तेल। सरसों के तेल में ये रेसिपी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। साथ ही लिए मैंने मिर्च पाउडर, देगी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, दही, नमक और हल्दी। तो पहले हम मटन को मैरिनेट करेंगे। तो मटन को मैरिनेट करने के लिए उसमें हम डाल रहे हैं नमक। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक डाला है। आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाली है। धनिया पाउडर 1 चम्मच हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, बाकी के धनिया पाउडर हम बाद में जब हम मसाला भुनेंगे उसमें यूज़ करेंगे, तो उसे साइड में रख लेते हैं। ये तीखी वाली मिर्च पाउडर है, 1/2 चम्मच ली है मैंने। और 1/2 चम्मच मैंने ली है यहाँ पे देगी मिर्च, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। आप चाहे तो यूज़ करें, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और साथ ही हमने सरसों का तेल लिया है, तो हमने 4 चम्मच यहाँ सरसों का तेल यूज़ किया है। और साथ ही हम ले लेंगे 1 कटोरा भर के दही। ये घर की दही है, आप चाहे तो मार्केट से लाकर भी यूज़ कर सकते हैं, बट दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसे एक अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो मटन में अच्छी तरीके से कोट हो जाए। और इसे ढककर लगभग 1/2 घंटे के लिए हमने रख दिया है। अब हम एक कुकर में तेल गरम करेंगे। तेल बहुत अच्छा गरम होना चाहिए ताकि उसका घास जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल जाए। अब उसमें हमने डाला है 1 चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च और प्याज जो हमने काट करके रखा था, इसमें से 1/2 ही प्याज हम यूज़ करेंगे। अभी 1/2 प्याज को हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पर डाल दिया है नमक ताकि प्याज अच्छी तरीके से गल जाए। दोस्तों, हमें प्याज को गलाना है, लाल नहीं करना है। जैसे कि अमूमन हम नॉर्मली बहुत सारे ऐसे रेसिपी बनाते हैं जिसमें हमें प्याज को ब्राउन करना होता है, बट हमने यहाँ पे ब्राउन नहीं करना है, प्याज को गलाना है। अब जो बची हुई 1 चम्मच धनिया की पाउडर थी वो मैंने यहाँ डाली है। प्याज अच्छी तरीके से भुन चुकी है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो हमने मीट को अच्छे तरीके से कोट करके रखा था मसाले से। मैरिनेशन लगभग मैंने 20 मिनट के लिए छोड़ा था। अगर आपके पास वक्त हो तो 1/2 घंटे से 1 घंटे तक के लिए छोड़ सकते हैं। अब इसे अच्छे तरीके से हमें भुनना है। ये देखिए, लगभग 10 मिनट के बाद मटन का जो अपना खुद का नेचुरल पानी होता है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से निकलने लगा है। अब इस पानी में ही हमें ज़्यादा नहीं, लगभग 5 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया है। और उसी बर्तन में जिसमें मैंने मटन को मैरिनेट करके रखा था उसे पानी मिला ले लिया था और पानी को इसमें हमने डाल दिया है। अब हम यहाँ इतनी जल्दी पानी क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हम कुकर में पका रहे हैं और इसे हमें एक और बार पकाना है, एक और बार तड़का लगाना है। तो इसलिए हमने थोड़ी देर भुना है और कुकर में पानी डालकर सेट कर दिया है। पानी बिल्कुल अंदाज से डालें, इतना जितना में मटन जो है वो अच्छे तरीके से बस डूब जाए। अब कुकर में 7 से 8 सीटी के लिए हम इसे पका लेंगे। अब मसाले में मैंने लिया है प्याज, लाल मिर्च पाउडर, ये देगी लाल मिर्च पाउडर है जो कि कलर के लिए यूज़ करते हैं, नमक स्वाद अनुसार, टमाटर बारीक कटे हुए, हरी मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च भी ली है मैंने, जो हरी मिर्च में ही लाल मिर्च आती है वो वाली। अब ढाबा स्टाइल मटन करी बना रहे हैं तो थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा चटपटा तो बनता है। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये पेस्ट नहीं है फ्रेंड्स, ये हमने अदरक लहसुन को कूट लिया है, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल बारीक पेस्ट मैंने नहीं बनाया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। साथ ही मैंने लिया है जीरा, धनिया, हींग, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और गरम मसाले। तो खड़े गरम मसाले मैंने लिए हैं, यहाँ पाउडर यूज़ नहीं कर रहे हैं,
एक बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, लौंग, जावित्री के फूल और दालचीनी, साथ ही तेल मसालों को भूनने के लिए। तो आइए, जब तक कि कुकर में सीटी आ रही है तब तक हम मसालों को अच्छे तरीके से भूनकर तैयार कर लेते हैं। अभी कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है और उसमें हम डाल रहे हैं जीरा, धनिया, हींग, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और गरम मसाले। ये सारी चीज़ मैं एक साथ ही इसमें डाल रही हूँ क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। बस इसे एक बार अच्छे तरीके से मिला लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से तेल में मिल सके। अब हमने जो बचे हुए प्याज रखे थे वो इसमें डाल रहे हैं। प्याज को हमें अच्छे तरीके से गलाना है और अच्छा सा कलर भी लाना है। 1 मिनट तक प्याज को भुनने के बाद मैंने जो हरी मिर्च और लाल मिर्च काट करके रखी थी वो इसमें डाल दिया है और अब दोनों को साथ में ही हमें भुनना है। लगभग और 1 से 1.5 मिनट भुनने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये अदरक लहसुन जो हमने कूट करके रखा था। तो 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो मैंने डाल लिया है और इसे अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। ये देखिए, बहुत ज़्यादा अदरक लहसुन हमें यूज़ नहीं करना है, नहीं तो वो फिर थोड़ा सा कच्चा रॉ स्मेल जो होता है ना वो आने लगेगा मटन में। अब इसे अच्छे तरीके से भूनने के बाद जब थोड़ा सा इसमें से कच्चा स्मेल चला जाए अदरक लहसुन का, तो हम डाल लेंगे टमाटर। टमाटर मैंने बहुत बारीक नहीं काटा है, रफली बस काट लिया है और इसे भी हमें भूनना है। देखिए, लगभग इस स्टेज पे जब आ जाएगा हमारा मसाला तब हम इसमें मिर्च पाउडर यूज़ करेंगे। मुझे लग रहा था कि मेरी मटन करी थोड़ी तीखी कम है तो मैंने थोड़ी सी तीखी वाली मिर्च पाउडर भी देखी मिर्च के साथ यूज़ की है। आप चाहें तो डालें, नहीं तो छोड़ दें। अब अगर लगे आपको कि नमक आपके मटन में आपने पहले कम डाला था तो यहाँ पे आप मटन डाल सकते, मटन में इस वक्त आप मसालों के साथ नमक डाल सकते हैं। मसाले अच्छी तरीके से लगभग अब भुन चुके हैं, कुकर से भी गैस निकल चुका है। मैंने कुकर में 8 सीटी लगाई थी। आप अपने कुकर के हिसाब से जितने में आपके कुकर में मटन पक कर तैयार हो जाए उतनी सीटी लगा लेंगे। अब इसे एक बार अच्छी तरीके से मिला कर देख लेते हैं। ये देखिए, आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, अभी ये बहुत पतली लग रही होगी आपको, पर जैसे जैसे मसाले इसमें मिलेंगे और ये पकेगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं आपको दिखा दूं कि देखिए, लगभग मटन 80% कुक हो चुकी है। तो इस स्टेज तक हमें मटन को कुकर में पकाना है। अब इसके बाद हमने जो मसालों को भून करके रखा है वो मसाले हम यहाँ पे डालेंगे। अब इसी कुकर से ही हम थोड़ा सा मटन का रस ले लेंगे। मटन स्टोव हो गया है एक तरह से ये, तो उसमें से थोड़ा सा रस लेकर कढ़ाई में हम इसे मसालों को अच्छे तरीके से थोड़ा सा मिला लेंगे ताकि जो कढ़ाई में बचे हुए मसाले हैं वो अच्छे तरीके से इसमें मिल जाएं। और कुकर में मैंने डाल दिया है और इसे अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसे हमें अभी थोड़ा और पकाना है क्योंकि ये ढाबा स्टाइल मटन हम बना रहे हैं, तो 2 तरीके से हमने इसमें तड़का लगाया है। एक तो पहला जब हमने कुकर में बनाया था तब लगाया था और दूसरा तड़का जब हमने कढ़ाई में सारे मसाले बनाकर तैयार किए थे। तो इसे या तो आप चाहें तो कुकर को सीटी लगा सकते हैं कम से कम 1 से 2 और या तो चाहें तो बिना सीटी लगाए खुले में इसे पका सकते हैं। तो मैंने कुकर में सीटी नहीं लगाया है क्योंकि मेरी मटन अच्छी तरीके से पकी हुई है। अगर आपको लग रहा हो कि आपकी मटन करी अभी पककर तैयार नहीं हुई है तो 1 से 2 सीटी और लगा सकते हैं। मैंने खुले में ही 10 मिनट के लिए इसे अच्छी तरीके से पका लिया था और जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए थी उसकी कंसिस्टेंसी उतनी रख ली थी। देखिए, हमारा मटन करी बनकर बिल्कुल तैयार है। ढाबे वाली मटन बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुई है। इसे रोटियों के साथ एंजॉय करिए, चावल के साथ एंजॉय करिए, या फिर तंदूरी रोटी या जीरा राइस, किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे अपने घर पर आप। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये ढाबे वाली मटन करी ज़रूर पसंद आई होगी और आप भी इसे बहुत जल्दी अपने घरों पर ज़रूर बनाकर ट्राई करेंगे होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा दें। नोटिफिकेशन बेल दबाने से होगा ये कि फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। आप जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो, एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।